एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से एक वीडियो तो जे तुसी पूरा लाभ लेना चाहते हो तो एक कॉपी इसलिए अलग तो लगा लो ते जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक क्वेश्चन तो कट असी 8-10 पॉइंट लर्न करते हाँ ते ओ 8-10 पॉइंट मीन 8-10 क्वेश्चन तुहाडे बनते हैं MCQ कॉपी नोटबुक नूं देखो ते तुहाडा सारी रिविजन हो जाएगी बड़ी जल्दी फिर तुहानूं वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पेगी। अच्छा नैक्सट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन असीं पिछे कराए हां नैक्सट क्वेश्चन है सेम पेपर का एज ए टीचर वट टेक्निक्स यू वुड फॉलो टू मोटीवेट मैनू अंडरलाइन लगी स्ट्रैटेजी है के मोटिवेशन पे जोर देना है। मोटिवेशन की है एक फोर्स है जिहड़ी किसे काम करन वल तुहानूं लै जांदी है। मोटिवेशन ये याद रखना है ते मोटिवेशन एक्शन जरूर है एक फोर्स है फोर्स जिहड़ी तुहानूं किसे काम एक्शन वल लै जांदी हो एक्शन किधर होएगा गोल नूं अचीव करन विच ठीक ओके हुण तुसीं मोटिवेट करना चाहते हो स्टूडेंट नूं टेक्निक्स दसियां हन बाय सेटिंग इंडक्शन यूज ब्लैकबोर्ड इलुस्ट्रेशन बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन चार ऑप्शन हुण तुसीं रीड कर लईआं ते इहदे विच सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा शब्द है तुहानूं खिंचना चाहीदा होया एक्टिव पार्टिसिपेशन एक्टिव शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोस्टली ये राइट आंसर होता है पर एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा फ्रेम किया गया है इसको भी अच्छा हो फ्रेम हो सकता सी लेकिन जो सानू इलुस्ट्रेशन का मतलब भी लगभग पता है इलुस्ट्रेशन है कि एबस्ट्रैक्ट चीज है कोई आइडियाज है टेक्स्ट है और एबस्ट्रैक्ट है जो असि रीड करते हाँ तुसी ए टीचर उसे टेक्स्ट नू एबस्ट्रैक्ट आइडियाज नू क्लियर करने लिए कोई पिक्चर है डायग्राम है कोई विजुअल प्रेजेंट करता है वो इलुस्ट्रेशन हो गई ठीक दूसरा है यूज ऑफ ब्लैकबोर्ड ब्लैकबोर्ड का यूज अनेक तरह हो सकता है अक्सर मैं जब क्लास पढ़ाना हाँ तो जाते ही कुछ एक शब्द दो शब्द कुछ लिख देना हाँ जा ड्रा कर देना हाँ एग्जैक्ट जो ड्रा करता हाँ तो अटेंशन बच्चों की उधर हो जाती है मोटिवेशन हो गई। अच्छा पर यह जानना जरूरी है कि सब तो वध जिहड़े ने मोटिवेट करने वाले कोई होर फैक्टर तो नहीं है पर इन्होंने क्योंकि कॉम्बीनेशन दिते है इट मीनस एक फैक्टर नहीं है एक तो ज्यादा फैक्टर ने जा एक तो ज्यादा वध टेक्नीक्स ने हुण सानू इस क्वेश्चन विच लर्न की करना पड़ेगा बाकी लगभग तुहानू क्लीयर सी एक्टिव पार्टिसिपेशन भी मैं क्लीयर कर दिना द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जिहड़ी इस पेपर सेटर ने चक्की है वह है सैटिंग इंडक्शन इंडक्शन दे मीनिंग बहुत ने ठीक है दूसरा है कि सेटिंग सेट इंडक्शन एक जो है मीनिंगफुल फ्रेज है जिहड़ी इत्थे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस च बहुत ज्यादा जरूरी है पर मैं इस क्वेश्चन च यह तुहानूं दसना चाहना हाँ इंडक्शन दे बाकी दो मीनिंग भी जिहड़े इन्ने इंपॉर्टेंट हैं कि तुहानूं किसी ना किसी MCQ विच ओह काम आणगे उन्हां बारे ब्रीफ विच जान लईए। अच्छा सब तो पहला ये देखिए कि इंडक्शन दे ना तीन वक्रे मीनिंग है जिहड़े साडे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच टीचर प्रोफेशन जां लर्नर विच लर्निंग प्रोसेस विच काम आंदे हन। फर्स्ट इंडक्शन रीजनिंग नूं भी कहा जाता है इंडक्शन रीजनिंग रीजनिंग दो तरह की होंगी है रीजनिंग नूं समझण लई एक क्वेश्चन बहुत रिपीट होंदा है तुहाडे पैडागोजी दे क्वेश्चन च रिपीट होएगा पुछया जाता है इंडक्टिव रीजनिंग प्रोसीड फ्रॉम कितों तो कितने चलती है उसका आंसर होता है पी जी सॉरी इंडक्टिव रीजनिंग केड़ा कलर लिए ए वाला ओके इंडक्टिव रीजनिंग जो पर्टिकुलर याद रखने इंडक्टिव नु याद रखना है ना आई आई की है वॉवल इधरों एग्जाम्पल की है वॉवल इना याद रखो डिडक्टिव इसके बिल्कुल उल्ट है याद रखना आई लिख ली वॉवल एग्जाम्पल लिख लिया ठीक है जे एग्जाम्पल नहीं लिखना तो इंस्टांस इंस्टांसिस
याद करने की टेक्निक दस रहे हैं, आई दे आई नाल मिल गई, इंस्टेंसेस तो कंक्लूजन वल जावे जा एग्जाम्पल तो कंक्लूजन वल जावे जा केसेस तो कंक्लूजन वल जावे, ठीक है। इस नो दूसरा शब्द की वरत्या जाता है पी टू जी, पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स तो नू स्टडी करना है, स्टडी करके एनालाइज करना है, एनालाइज करके कंक्लूजन बच्चा कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल नाउन दी एग्जाम्पल, नाम दी एग्जाम्पल कॉमन है, तुसी कहते हो मंदिर है, ये पेन है, ये लड़का है, ठीक है, ये बलविंदर है, ठीक, तुसी तस्वीर दिखा देंगे हो, ये जो है ताजमहल है, ये पांच छह जिहड़े है पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हो गई। एग्जाम्पल नू एनालाइज करके फिर जनरल कंक्लूजन करते हैं। इतने कंक्लूजन की है, इतने डेफिनेशन, ठीक है। इट मीन्स बड़े ही शब्द ने, एक पूरा वीडियो, लंबा वीडियो 30-40 मिनट का, सिर्फ इतने ही के ए वाले किन्ने शब्द ने, कोई भी पेपर सेटर पा सकता है, लेकिन तुहानू नहीं पाने, बड़े सरफेस लैवल क्वेश्चन आते हैं। मेनली 3-4 क्वेश्चन ये वरते जाते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग की है, डिडक्टिव रीजनिंग की है। डिडक्टिवली नीला रंग इथे लिख लेने हाँ, असी इंडक्टिव ही याद रखना है। इंडक्टिव आई इंस्टांसेस या एग्जाम्पल तो जनरल कंक्लूजन वाल, एग्जाम्पल नाउन दी असी याद रख रही है, ठीक। ते डिडक्टिव नू याद नहीं रखना, बस ये कह देना कि बिल्कुल उल्ट तो उल्ट, मीन जे इंडक्टिव इधरों इस तरफ नू जा रही है, मूवमेंट है, ठीक, पर्टिकुलर टू जनरल है, ते डिडक्टिव जड़ी इस तो उल्ट होएगी, जनरल कंक्लूजन जदो अप्लाई हुंदा है पर्टिकुलर केस पे, पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे, पर्टिकुलर इंस्टांस पे, ठीक। सो ए जेड़ा प्रोडक्शन ए इंडक्टिव रीजनिंग ली भी इंडक्शन शब्द वर्त लिया जाता है, इसलिए मैं कह रहा हाँ, इसलिए तुम्हें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि ए इंडक्शन के दे विच है, ठीक है, इत्थे मोटिवेशन लई है। दूसरा इंडक्शन इंपॉर्टेंट, सब तो वध इंपॉर्टेंट, जिहड़ा किसे जिसकी रूट एक थ्योरी दे विच है, वो थ्योरी भी लर्न करन तुहाडी जरूरी है, उसका मतलब है सैट, ठीक, पूरा नाम इसका है इंडक्शन सैट जां सैट इंडक्शन, उथे शब्द वरत्या की गया है। इथे आओ देखते हाँ, ये शब्द सैटिंग आई एन जी लाया है, लेकिन यह शब्द है सैट इंडक्शन। जे इस बड़ा ही आसान करके समझना है, तो बड़ा ईजी है कि मेंटल सैट टोटल एटीट्यूड मोटीवेट कर रहा। यह शब्द मैं कितों ले हाँ हूँ ही दसदा, जे तुसी इसनू सिंपली याद करना है, माइक्रो टीचिंग दियां तुहाडियां स्किल्स तुसी बीएड या डीएलएड विच पढ़ियां हन, उन्हां दे विच एक स्किल है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ लैसन, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग लैसन, ये ओही चीज है। पर उहदे विच तुसी कदे भी, असी वधेरे करके इन्ने एग्जाम ले है, मेंटल सैट या सैट इंडक्शन नहीं कीता जांदा। पहला मैं ये दसदा कि ये शब्द आया कितों है, मेंटल सेट, मेंटल सेट थॉर्नडाइक दी थ्योरी है, ये क्वेश्चन बन रहे हैं तुहाडे, ठीक है। पहले भी जिन्नियां गल्लां इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग नोट करने वाली गल्लां, पर्टिकुलर टू जनरल, जनरल टू पर्टिकुलर, ओके, एग्जाम्पल टू डेफिनेशन या डेफिनेशन टू एग्जाम्पल, ठीक, ये सारे सारे क्वेश्चन बनते हैं, 8-10 क्वेश्चन बनते हैं। थॉर्नडाइक जिदा ट्रायल एंड एरर थ्योरी किस द्वारा दी गई, ई एल थॉर्नडाइक, ई एल थॉर्नडाइक, ओके, कनेक्शनिज्म के दी थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, कनेक्शनिज्म के दे द्वारा दी गई, ई एल थॉर्नडाइक। ई एल थॉर्नडाइक नू देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जेड़ा पूछा जा सकता है, द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किस नू कहा जाता है, ई एल थॉर्नडाइक नू, लर्निंग दी सब तो पहला प्रिंसिपल जेड़ा एजुकेशन च अप्लाई होया वो केड़ा सी, लॉज ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग दिते गए, उन्होंने विचो प्राइमरी प्रिंसिपल ते सेकेंडरी प्रिंसिपल, ठीक। प्राइमरी प्रिंसिपल उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट ते बेस्ड ही कैट ते कीता सी, डिटेल्स नहीं इत्थे दसांगा, फर्स्ट प्रिंसिपल सी रेडीनेस का, ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज दे इफेक्ट, ये तीन प्रिंसिपल सी। ये तीन प्रिंसिपल ते तुहानू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ ऑफ लर्निंग, कल्ले लॉ ऑफ लर्निंग भी जदों पूछा जाता है उदों ई एल थॉर्नडाइक दी ट्रायल एंड एरर ते कनेक्शनिज्म थ्योरी दे ही ये तीन लॉ हमेशा यूनिवर्स च सारे वर्ल्ड च पूछे जाते हैं। सो ये तीन लॉ तुहानू लर्न कर लेने जरूरी हैं। रेडीनेस दा लॉ की है, सीधा के लर्नर जदों लर्न करन लई रेडी है तो उहनू हर हालत विच उदों
पढ़ाया जाए। नंबर दो, जो रेडी नहीं है तो टीचर का काम है कि उसे रेडी करना, ठीक। उत्थे हुण मेंटल सेट अगे आ जाएगा कि रेडी करन दे बड़े तरीके ने, उही क्वेश्चन है साडा चल रहा, ठीक। जदों तुसी टीच नहीं कर रहे पर लर्नर लर्न करने लई रेडी है, ठीक है, उदों भी उन्हों लर्निंग मटीरियल दे देना चाहिए है जदों वह मोटीवेटड है। ये तीन इहदियां इंप्लीकेशन हैं, ये भी पूछी जा सकती हैं। एक्सरसाइज की है जिहड़ी चीज तुसी यूज करते हो, प्रिंसिपल ऑफ यूज डिसयूज, जिहड़ी चीज तुसी रिपीट करते हो वह सानू याद रहिंदी है, जिहड़ी रिपीट नहीं करते वह भुल जाती है। यह सिंपल गल है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल 30 साल बाद डिसयूज वाला उन्होंने बदल दिता सी, यह कह दिता सी कि जरूरी नहीं है कि जिहड़ी चीज एक बार तो बाद रिपीट नहीं की कि भुल जाए, कई बार एक बार याद की रिपीट की हुई चीज भी याद जिंदगी भर रह जाती है। ये बाद 30 साल बाद उन्होंने रिवाइज किए। इफेक्ट का सब तो इंपॉर्टेंट सैकेंड रेडीनेस तो बाद ये वाला इंपॉर्टेंट, एक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सीक्वेंसिस भी इन कह सकते हैं, जिसनों चुक के बी एफ स्किनर ने अगली थ्यूरी दी सी। ओके, इफेक्ट का की है कि किसी भी एक्शन का रिस्पॉन्स का कॉन्सीक्वेंसिस की निकलता है, तुसी कोई भी काम करते हो कॉन्सीक्वेंसिस रिजल्ट कोई निकलता है, और रिजल्ट जे प्लेयर है मजा आता है तो अच्छा लगता है तो असी उस रिपीट करते हाँ दोहराने हाँ, ठीक है। एक बच्चे चॉकलेट खा के मजा आया कहिंदा कल फिर मैं खानी है चॉकलेट, ठीक है। एक बच्चे जिहड़ा स्कूल जाके जिहड़ा होमवर्क करके मजा नहीं आया कहिंदा मम्मा मैं नहीं करना, ट्यूशन ते जिहड़ा है होमवर्क क्यों नहीं बच्चे करते क्योंकि बोरिंग है, उन्होंने पेन ज्यादा मिलती है, ठीक। जिहड़ी चीज चो पेन मिलती है उसी नहीं करते, जिहड़ी चीज चो मजा मिलता है उसी करते हैं, सिंपल ए लाज ने। एक सेकेंडरी लाज उन्होंने दिते सी 10-15 ला ने, मैं अपनी बुक विच सारे डिटेल विच दिते हुए ने, मल्टीपल रिस्पॉन्स फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बारे नहीं पढ़ाना। दूसरा है माइंड सैट का, ये माइंड सैट जिहड़ा है टोटल एटीट्यूड है, माइंड सैट द टोटल एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग, के जो मैं लर्न कर लगा हाँ क्लास च बच्चे बैठे हैं कि एटीट्यूड टूवर्ड्स टीचर, एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग, एटीट्यूड टूवर्ड्स सब्जेक्ट, जे पॉजिटिव नहीं हैं तो बच्चे नहीं लर्न करेंगे, जे वो पॉजिटिव बन गए या तुसीं प्यार करते हो रिस्पैक्ट देंदे हो अपनापन रखते हो तो तुहाडे प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है तो बच्चे तुहानूं सुणदे ने, ठीक। जे तुसी इंटरस्ट भी ना रोज पढ़ाते हो सब्जेक्ट विच इंटरस्ट बन जाता है। ये वाली गल जिहड़ी मैं दसना चाहता सी कि यह सैट इंडक्शन कित्थों आया, थॉर्नडाइक की उस थ्योरी दे विच्चों, जिसनों मैंटल सैट भी कहा जाता है, टोटल एटीट्यूड भी ते मोटीवेशन दा, यही क्वेश्चन सानू पुछया गया है। अच्छा, नैक्सट ला ऑफ बाद विच करते हैं, हुण ये देख लीए कि इंडक्शन जिहड़े साडे संदर्भ विच सब तो जरूरी है वह किस तरह करनी है, इसनों कर लिया जाए। अच्छा, ये देखो इसका मीनिंग जे पढ़ना है, सिंपली सैट इंडक्शन, मैं पेन सिलेक्ट कर ला, सैट इंडक्शन, सैट इंडक्शन का मीनिंग स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लैसन, सिंपल है पर जानने वाली गल की है। कोई भी इदा की प्रोसैस टीचर द्वारा करनी जी थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट हो, शुरू ची जाते ही कोई इदा की स्टेटमेंट दे देनी कि बच्चों को सोचना पवे एकदम, ठीक। इंटरस्टिंग फैक्ट कोई दस देना एकदम, अखबार की कोई घटना है कल घटना वापरी है उसकी तस्वीर दिखा देना, उससे थोड़ी जी गल करनी, उससे एकदम क्वेश्चन पूछ लेना। एन ऑडियो विजुअल स्टिमुलस एट बिगनिंग ऑफ जिहड़ी क्लास है, कोई भी जिवें मैं क्या पिक्चर दिखा देनी है, मूवी दिखा देनी, क्लिप दिखा देनी है, जो टॉपिक दे नाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैच करती होगी। सो एकदम इन्हां नाल होया कि इन्हां नाल होया कि एकदम अटेंशन सीक कर ली। सो सैट इंडक्शन की है, अजिही स्टेटमेंट जां एक्टिविटी जां ऑडियो विजुअल एड टीचर द्वारा शुरू दे विच क्लासरूम दे शुरू विच प्रेजेंट करनी जिस नाल बच्चे एकदम अटेंड करन। फर्स्ट ला है लर्निंग दा, जे किसे भी लैवल ते लर्निंग होनी चाहीदी है, अटेंशन जे अटेंड ही नहीं किया जाता टीचर नूं बच्चों द्वारा तो लर्निंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। अटेंशन कोगनेटिविज्म द्वारा दिता गया पहला नियम है
कि जब तक बच्चा अटेंड नहीं करता चीज नू तब तक वो लर्न नहीं कर सकता। ठीक, अगे जाके इन्होंने होर एक्सप्लेन किया है माइंडसेट की है स्टेट ऑफ रेडीनेस मोटिवेशन स्टूडेंट फोकस करता है। इस तरह दी गल्लां ये कीतियां गईयां हन, मेरे ख्याल च ये सारा क्लियर है। इसका एक होर नाम इत्थे लिखना, इन्हों छोटा कर दिंदे हां, इन्हों वापस चलदे हां, एंटीसिपेटरी एंटीसिपेटरी सेट। सो ए सारे नाम वखरे तरीके ना वरते जा सकते हैं पर हालात इन्ने खराब हैं कि क्वेश्चन किसी होर स्टेट दे टेट विच इदा ही मिल जाते हैं। बड़े क्वेश्चन ने जिहड़े राजस्थान विच एचपी टेस्ट विच आराम नाल मिल जाते हैं। मैं सारे एक पेपर कट्ठे किए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे दी एक्सरसाइज करवावांगा जे तुसीं अपनी इच्छा रखोगे तो। ठीक, तीजा एक इंडक्शन होगी रीजनिंग, इंडक्टिव डिडक्टिव, इंडक्टिव रीजनिंग नूं कहा गया, डिडक्टिव रीजनिंग लई नहीं है शब्द, ठीक है, शब्द की गल कर रहे हैं। दूसरा सैट माइंडसैट टोटल सैट ये गल हो चुकी है। तीसरा है इंडक्शन प्रोग्राम, ये उदो हुंदा है जो ट्रांजिशन फेज होवे, असी न्यू फॉर्मल सिचुएशन विच किते एंटर करते हाँ। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है स्कूल तो कॉलेज जाता है, हुण कॉलेज की लाइफ डिफरेंट तरह की है, कोई मान लो फॉरन च इत्थे तां इंडिया दे विच हजे नहीं है, हाँ यूजीसी ने कॉलेज यूनिवर्सिटी लैवल तक कर दिता है कि बच्चा स्कूल तो कॉलेज जाता है, तो कॉलेज की लाइफ रूल नियम वैल्यू कल्चर सब कुछ वखरा है, उत्थे पढ़ना किदा है, रोल की मेरा होएगा, ये सारिया चीजा नू जानन लई दो तीन चीजा मैं लिख दिंदा है, रोल की होएगा, उत्थे दा कल्चर की है, वैल्यूज की ने, ठीक है, ये वाली चीजा जो फॉर्मल रूप विच वो कॉलेज मान लो एक या दो दिन उन्होंने बच्चों नू सिर्फ कॉलेज दिखाया जाए, विजिट कराया जाए, एक्टिविटी दिखाई जाए, थोड़ी गेम जिहड़ी चल रही है वह दिखाया जाए, कित्थे केड़ी लैब है, कित्थे केड़ा रूम है, सारा कुछ दिखाया जाए। इसी तरह जब कॉलेज तो यूनिवर्सिटी जाने उदो ये दो दिन का तीन दिन का प्रोग्राम हो, इस प्रोग्राम नू इंडक्शन प्रोग्राम कहा जाता है, जिसका मतलब है इंट्रोड्यूस करवाना, वेलकम करना, प्रिपेयर करना, बच्चे नू उत्थे दे रोल ओरिएंट करना, ठीक है, ये सारा कुछ होर मीनिंग एक बनता है जो प्रोफेशन है। मान लो यही यूनिवर्सिटी चो पढ़िया स्टूडेंट हुण स्कूल विच टीचर लग गया है, इत्थे इहनू बना दईए ये बन गए जी टीचर साहिबान, ठीक है, टीचर साहिबान कॉलेज नहीं बनाने, नहीं ये नीले वाले बना देना, ओके टीचर नहीं कॉला बनाना, टीचर इज पॉजिटिव ऑलवेज, ओके टीचर हुण स्कूल विच गया है, हुण स्कूल पहला स्टूडेंट सी, हुण स्कूल च जा रहा है, रोल बदल गया है, हुण वो रोल सीखना है, स्कूल का अपना कल्चर है, स्कूल दियां अपनियां वैल्यूज हैं, ठीक है, स्कूल च केड़ियां ड्यूटीज उन्हें देनियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज हैं, एक्सपर्ट्स उत्थे किदां ड्यूटीज दिंदे हैं, जे टीचर ज्वाइन करन लगा बीइंग ए टीचर इत्थे इस स्कूल विच ते उसनों सब ये करवाया जावे, दो दिन तीन दिन ये सारा कुछ स्कूल दिखाया जावे, काम काज किदां हुंदा दिखाया जावे, उन्होंने जेडे चैलेंज है वो दिखाए जान, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कित्थे पे ने, की कित्थे किवें करना है, कल्चर की है, वैल्यूज की है, डिसिप्लिन किदां रहिंदा है, दो तीन दिन ये कराया जावे, उत्थे भी इंडक्शन प्रोग्राम है, जिहड़ा इंडक्शन ये असीं अर्थ जान लिया। वापस चलते हाँ, जिहड़ा साडा क्वेश्चन सीगा ये टीचर टेक्नीक मोटिवेशन लई किहड़ी वरतेगा, ये गल कर रहे सीगे, हुण इत्थों स्पष्ट हो गया है कि क्योंकि जिहड़ी चीज फंडामेंटल थ्यूरी ते ईएल थॉर्नडाइक दी ट्रायल एंड एरर थ्यूरी ते बेस्ड सैट इंडक्शन ये शब्द है, ये कदे भी गलत नहीं हो सकता, कदे भी नहीं, हमेशा याद रखना मैं फंडामेंटल रूल एक दे देना, ये वीडियो भी बन सकती है कि कदे भी टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई भी क्वेश्चन हो वर्ल्ड किते भी उसका जाके आंसर हमेशा फंडामेंटल थ्यूरी चो आएगा, क्योंकि असी इन्नी इनडैप्थ ना फंडामेंटल थ्यूरीज नहीं पढ़िया होंगे, दैट इज वाई भटकते रहने हाँ, असी उन्होंने कई रूल बनाए हुए हैं, नहीं अल्टीमेटली हर टीचिंग एप्टीट्यूड ने फंडामेंटल थ्यूरी को जाना है। देखो ईएल थॉर्नडाइक तो ये सैट शब्द आया है, इंडक्शन ये माइक्रो स्किल दे विच लग गई है जो बीएड च ट्रेनिंग तुसी लैने हां, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कंस्ट्रक्टिविज्म दा, कंस्ट्रक्टिविज्म दा कि बच्चा
सोचे बच्चा फिजिकली एक्ट करे, ठीक है, एक दूसरे नाल गल करे, ए एक्टिविटीज है। हुण ए दो पक्कियां हन, एक ते चार, ठीक है, लेकिन इलूस्ट्रेशन नूं तुसीं किते भी माइनस नहीं कर सकते। सब तो ज्यादा मैं इसे रैंक करके देन लगा तुहानूं, पहला नंबर जिहड़ा आंदा है, सब तो पहला नंबर आंदा है, ये दोनों इक्वल चल रहे हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविज्म दा है, एक्टिवनेस जे सोशल इमोशनल थिंकिंग ये सारी है, तो फिर पहला नंबर इसका बनेगा। और क्योंकि ये बिहेवियरिज्म दा है, बिहेवियरिज्म लर्नर को थोड़ा पैसिव रखती है, लेकिन माइंडसेट अटेंशन है मोटिवेशन पहला ला हमेशा ही रहेगा। इसनों भी पहला इन्हें बराबर का दर्जा मैं दे देना हाँ, पहला पहला इसनों पहला रैंक दे लो जां इसनों दूसरा रैंक दे लो, ठीक। इस तो बाद इलूस्ट्रेशन नूं तीसरा रैंक दे लो। हाँ, ब्लैकबोर्ड नूं तुसीं वरतदे किद्दां हो, सिर्फ यूज हो वरतदे किद्दां हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक। मेरे ख्याल च सारियां ही टेक्नीक्स उहदे लई वरतियां जा सकदियां हन, एक दो तीन, एक चार, दो चार, ठीक है, ये जे तीन बनदियां हन, तीन किसे विच भी नहीं हन, इसलिए चार वाला आंसर सानूं ज्यादा सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर दैट अफेक्ट लर्निंग। अंडरलाइन करांगे फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, वैसे वेरी इजी क्वेश्चन बीएड विच भी होता है। फर्स्ट है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ लर्नर, मेंटल हेल्थ बारे थोड़ा जा लर्न कर लेना चाहिए है। जो मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट थोड़े सामने आता है तो की तुसी याद करना है, जे इस तरह का कोई होर क्वेश्चन आता है। मेंटल हेल्थ मीन वेल बीइंग, दूसरा शब्द ये यूज किया जा सकता है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। जिन्ने तुसी हैप्पी हो, जिन्ने सैटिस्फाई हो, जिन्नी तुहाडी वध एडजस्टमेंट है, उन्नी अच्छी तुहाडी मेंटल हेल्थ है, सिंपल शब्दों में यह है, ठीक। अच्छा, मेंटल हेल्थ नाल रिलेटेड एक होर शब्द है मेंटल हाइजीन। जदों तुसी मेंटल हेल्थ अच्छी किद्दां रहनी है उसके रूल्स की स्टडी करते हैं, उसनूं मेंटल हाइजीन कहते हैं। अच्छा, मेंटल हेल्थ दी जे डेफिनेशन देखनी हो, वैसे WHO दी डेफिनेशन बेस्ट मनी जाती है, इहदे विच इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, सोशल वेलबींग सब कुछ शामिल होंदा है। ते तीसरी गल, एक तो एक खुशी शामिल है, सैटिस्फैक्शन एडजस्टमेंट, तीसरा कि नैगेटिव ट्रेट नहीं होंगे जां उहनां ते तुहाडा कंट्रोल होएगा, जां तुसी मेंटल इलनेस तो परे हो, जां मेंटल जो डिसऑर्डर होंदे आ, एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, ज्यादा सैड रहना है, न्यूरोटिसिज्म है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, इस तरह के बड़े ही ईटिंग डिसऑर्डर है, स्किजोफ्रेनिया है, ये सारे ही जेकर अंत इहदा मतलब है मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। सो मेंटल हेल्थ दे पॉजिटिव मीनिंग भी है, हैप्पीनेस दे नेगेटिव मीनिंग भी है, कि ये चीजां दा एबसेंट होना, हाइजीनिक का मतलब हो गया कि रूल्स ऑफ स्टडी जे रूल्स ओ वाले रूल्स जिन्हां नाल तुसी मेंटल हेल्थ नू स्टडी करना है। की है नेक्स्ट, इहदे विच लेवल ऑफ एस्पीरेशन, एस्पीरेशन की हुंदा है जान लेना जरूरी है, बड़े क्वेश्चन विच ये पूछा जाता है। लेवल ऑफ एस्पीरेशन मीन सीधा एक शब्द याद रखो, जदों भी आंदा है एस्पीरेशन शब्द, वैसे इसका अर्थ डिजायर, स्ट्रांग डिजायर भी हो सकता है, लेकिन जेड़ा गोल तुसी सेट करते हो, ठीक है, जेड़ी एस्पीरेशन द बेस्ट एस्पीरेशन होंदी है रियलिस्टिक एस्पीरेशन, रियलिस्टिक एस्पीरेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा एवरेज है ते वो गोल्ड मेडल का गोल नहीं सेट कर सकता, ठीक, वो अच्छे मार्क्स का सेट कर सकता है, जेड़ा बच्चा बिलो एवरेज है वो टॉपर का गोल सेट नहीं कर सकता। जेड़े को एबिलिटीज है, सोशल सपोर्ट है, टाइम है, एनर्जी है, सारा कुछ जो अच्छी मेहनत ली है, अचीवमेंट मोटिवेशन है, वो अच्छा गोल सेट कर सकता है। सो जिन्ना उच्चा गोल तुसी सेट करते हो उन्नी उच्ची तुहाडी एस्पीरेशन है, ठीक है। सो एस्पीरेशन मीन गोल सेटिंग। सो जे ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच बेटर गोल सेट केड़ा होंदा, मॉडरेट और रियलिस्टिक गोल या रियलिस्टिक एस्पीरेशन, ठीक। नेक्स्ट टर्म की है जेड़ी जान लेनी जरूरी है, अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन दे बारे दो तीन चार क्वेश्चन होर पूछे जा सकते हैं, मैं लिखा हुआ है अचीवमेंट मोटिवेशन बारे। अचीवमेंट मोटिवेशन होर की लिखा जाता है छोटा एन
डॉट या आईफन ACH, ACH मीन अचीवमेंट, इनी फुल फॉर्म की बनती है नीड फॉर अचीवमेंट। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये टर्म सब तो पहली बार किसने यूज की थी, फर्स्ट टाइम हैरी मुरे ने, ये नाम पूछा जा सकता है। अच्छा, ये थ्योरी जेडी है अचीवमेंट मोटिवेशन दी किसने दिती, सोशल साइकोलॉजिस्ट मैकक्लेलैंड, एनी गल याद रखी जा सकती है। और अचीवमेंट मोटिवेशन की है कि तुसी एक्सीलेंस बनना चाहते हो, तुसी किसी स्टैंडर्ड ते पहुंचना चाहते हो, उस स्टैंडर्ड नू अचीव करना चाहते हो, उसको अकॉम्पलिश करना चाहते हो। केड़ी फिल्म है थ्री इडियट विच, वो कहते ना एक्सीलेंट बनो, एक्सीलेंस दा क्राइटेरिया अपनाई करते हैं, तो नैचुरली अपने आप नू इवैल्यूएट भी रेगुलर करोगे जब तुसी कोई स्टैंडर्ड अचीव करना चाहते हो। एक्चुअली वर्क प्लेस तो थ्योरी आई है जिहड़ी मैकलेलैंड ने इवैल्यूएशन कीती सी, तुसी रेगुलर अपने आप नू इवैल्यूएट करते हो, गोल सैट रियलिस्टिक करते हैं, जिन्हें एस्पिरेशन की गल की है, मॉडरेट गोल जा सैट करते हो, यह सारिया गल्लां आ जांदियां हन। इस तो इलावा तीसरा है रेडीनेस एंड विल पावर, रेडीनेस नू कदे छड्ड ही नहीं सकते क्योंकि रेडीनेस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय ईएल थॉर्नडाइक ऑन द बेसिस ऑफ विच द एजुकेशन सिस्टम, ते सब तो पहले ए अप्लाई होया सी, इंप्लीकेशन उस थ्योरी दी हुई सी, ते आज तक ए प्रिंसिपल रेगुलर चलता आ रहा है, ते किसी भी टीचिंग एप्टीट्यूड च इस ते माइनस नहीं लग सकती कि लर्नर विल पावर तुहाडा कंट्रोल जो है। सो ऑल ऑफ दीज इहदा सीधा आंसर बन रहा है। नेक्स्ट है कोग्निटिव डिवेलपमेंट मीन्स, असी करते हाँ बिहेवियर दी स्टडी जो साइकोलॉजी विच टीच करते हाँ, की पढ़ते हाँ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर नू जा ह्यूमन वैसे बिहेवियर नू साइकोलॉजी प्योर वाले बिहेवियर नू डूइंग डोमेन विच कोनेटिव विच लेंदे हैं। ठीक, असी बिहेवियर दे जे डोमेन्स जा लर्नर दिया डोमेन कर लेंदे हैं, चलो इनू कट देंदे हैं, ये गल जरूरी है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी च पढ़ते हैं बिहेवियर शब्द वरत्या जाता है कॉमन, लेकिन साइकोलॉजी विच जो पढ़ते हैं तो बिहेवियर डूइंग एक्सटर्नल बिहेवियर लिए वरत्या जाता है क्योंकि बिहेवियरिज्म ने एक्सटर्नल बिहेवियर जिवें मेरे हाथ हिल रहे हैं, चेहरा हिल रहा है, मैं दौड़ रहा हाँ, ये देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेयर कर सकते हैं। तीन क्वेश्चन बन गए, मैं बोल देते हैं तीन क्वेश्चन, बिहेवियरिज्म मेयरमेंट ते, ऑब्जर्वेशन ते, और एक्सटर्नल रिस्पॉन्स ते जोर दिता है। ठीक, इतने आप लर्नर लिख लेने हैं, ये लर्नर जी, चलो लर्नर जी आ गए, छोटे जे लर्नर बना रहे आप, तीन इस दिया डोमेन्स डोमेन्स एरियाज डायमेंशन कुछ भी शब्द वर्त सकते हैं। एक कोग्निटिव, एक गल याद रखनी है, दूसरा है अफेक्टिव, ओके, तीसरा है कोनेटिव। ठीक है, कोग्निटिव जिहड़ा है, एक क्वेश्चन हुण पूछा गया है कोग्निटिव नॉलेज नाल रिलेटेड सब सिंपली ए इनफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाली चीजा सारिया आ गई ब्रेन विच, ब्रेन विच इनफॉर्मेशन प्रोसेस जिहड़ी हुंदी है ओहदियां गल्लां सारिया कोग्निशन विच आउंदियां हन। मैं अगे फैक्टर दसदा जिसने होर 8-10 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोग्निशन विच की शामिल है, क्योंकि ये क्वेश्चन होर तरह भी पूछा जा सकता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पहला ये देख लीए की होर कोग्निशन विच शामिल है। कोग्निशन इंक्लूड कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेसेस बाय विच नॉलेज इज एक्युमुलेटेड परसीव्ड, परसीव परसेप्शन आ सकता है नॉलेज रिकॉग्निशन। ठीक, होर केड़ियां चीजा उन्हां दी लिस्ट बनाई है मैं, इसनू थोड़ा वड्डा कर लैंदे हां इस तरह, नहीं हो रहा चलो कोई गल नहीं, इसनू छोटा कर लीए फिर ओके। कोग्निटिव स्किल्स या एबिलिटीज पूछियां जा सकदियां कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोग्निटिव स्किल, केड़ियां हन, है केड़ियां, परसेप्शन कोग्निटिव स्किल है, मैमरी कोग्निटिव स्किल है, रीजनिंग जिहदे विच अग्गे इंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग पिछे गल कर रहे हैं, थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग डायवर्जेंट थिंकिंग, वैसे थिंकिंग या लेटरल थिंकिंग क्रिएटिविटी लिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रिएटिविटी लिए डायवर्जेंट थिंकिंग भी आंसर होता है, लेटरल थिंकिंग भी आंसर होता है। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब तो हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग की होता प्रॉब्लम सॉल्विंग,
ओके लर्निंग है, रिमेंबरिंग है, रिमेंबरिंग नू मेमोरी दे नाल भी जोड़िया जा सकता है। ब्लूम दी टैक्सोनॉमी दा जो निचले वाला पार्ट सी, ब्लूम दी टैक्सोनॉमी कित्थे है, इत्थे होएगी ब्लूम दी टैक्सोनॉमी साडे कोल, नहीं इहदे विच नहीं है, ब्लूम दी टैक्सोनॉमी, ब्लूम दी टैक्सोनॉमी ये सारा कुछ ही, ये सारे शब्द आ सकते हैं। क्यों दिखाई है इसलिए स्पेशल, क्योंकि ब्लूम दी टैक्सोनॉमी एक कॉग्निटिव डोमेन दिया इस छे लेवल ने, ठीक है, रिमेंबरिंग भी, अंडरस्टैंडिंग भी, अप्लाइंग भी, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग, क्रिएटिंग नूं उसने हाईएस्ट मन्या है। इस तो इलावा होर जेड़े मैं इत्थे दिखा रहा हां तुहानूं, ये सारिया चीजा शामिल हैं। रिमेंबरिंग उत्थे होगी, नोइंग अंडरस्टैंडिंग होगी, क्रिएटिविटी भी होगी, जिस नाल असीं डायवर्जेंट थिंकिंग नूं लिटरल थिंकिंग नूं जोड़ दिता, डिसीजन मेकिंग होगी। डिसीजन मेकिंग की है कि ऑप्शन तुहाडे कोल है, ऑप्शन चो एक चूज करनी है, ठीक है, जिहदा एमसीक्यू है, डिसीजन लेना ही है कि केड़ा बेस्ट आंसर है, ठीक है। अटेंशन, अटेंशन की गल पिछे भी करके आए हैं, रेडीनेस भी जरूरी है। कॉग्निटिविज्म सब तो ज्यादा जोर इतने दिता है कि अटेंशन सब तो पहला जरूरी चाहिए है। ओके, इंटेलीजेंस, इंटेलीजेंस विच इस काफी सारिया एबिलिटीज यही शामिल होंगी, सब तो वड्डी टर्म इहदे विच है इंटेलीजेंस, मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन क्रिएटिविटी नाल भी जुड़ते हैं, इमेजिनेशन फिर कई तरह की होंगी है, इत्थे गल नहीं करांगे। सो ये सारिया जिहड़ियां एबिलिटीज हैं, कोगनेटिव एबिलिटीज हैं, कोगनेटिव एबिलिटीज साडा क्वेश्चन की सी, कोगनेटिव डिवेलपमेंट मीन्स डिवेलपमेंट ऑफ इंटेलीजेंस, यस, होर की है, डिवेलपमेंट ऑफ चाइल्ड, नहीं, क्योंकि उहदे विच चाइल्ड विच अफेक्टिव आस्पेक्ट भी है। अफेक्टिव आस्पेक्ट याद रखने केड़े है, जेड़े फीलिंग इमोशन, ठीक है, सेंटीमेंट्स, इंटरस्ट, एटीट्यूड, ये इस दे क्वेश्चन आ सकते हैं। पांच शब्द बोले ने, ये इहदे विच पूछे जा सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अफेक्टिव डोमेन। कोनेटिव डोमेन मीन तुहाडीआं फिजिकल, ठीक है, फिजिकल दी ग्रोथ हुंदी है, एक गल याद रखना, ठीक है, इस नूं फिजिकल नूं मेजर किया जा सकता है, वेट नूं मेजर किया जा सकता है, ठीक है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। जिहड़ी मोटर, दूसरा शब्द है मोटर, ठीक है, मोटर का मतलब है मस्कुलर, इहदा संबंध मसल नाल है, मसल का संबंध मोटर नाल, मोटर है, मोटर का, मोटर नूं इंटरप्रेट मीनिंग किद्दां असीं समझना है, मूवमेंट, इट मीनस मोटर का मतलब है बॉडी दीआं मूवमेंट। बॉडी दीआं मूवमेंट हो गए दो हिस्सों च असीं साइकोलॉजी वाले वंडदे हां, एक टोटल लिम्स वड्डे वड्डे सारी बॉडी जिथे यूज हुंदी है प्लेग्राउंड विच, उसनों ग्रॉस मोटर स्किल्स कह दिंदे हैं, जिथे सिर्फ बुल फिंगर अखां इदां छोटी छोटिया चीजा इदां ड्राइंग करते हैं, निटिंग करते हैं, वो फाइन मोटर स्किल्स हुंदियां हन, ठीक है। ये सारे मेरे ख्याल 25-30-40 सवाल घट्टो घट डिस्कस हो चुके हैं, सो लर्नर विच सारा कुछ है, दैट इज वाई ओ वाला आंसर असी टिक नहीं करांगे। कित्थे गए ए रे, अगे की है, डिवेलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स, ये भी गल हो चुकी है कि उहदा पार्ट ही है। डिवेलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, सेम चीजा हैं, इंडिविजुअल दे चाइल्ड बिल्कुल है, बहुत ही सरफेस लेवल का ये क्वेश्चन है, तो इंटेलिजेंस इज द सीधा जवाब है, इंटेलिजेंस 100%। नेक्स्ट है, क्रिएटिव राइटिंग शुड बी एन एक्टिविटी प्लैंड फॉर किहदे लई, ओनली, एक गल याद रखना, मैं कैसी मैं स्ट्रैटेजीज नाल नाल दसांगा, गैस वर्क जो लाना पैंदा है जां जो तुहानू राइट आंसर नहीं मिलता, तां एक इंडिकेशन जिहड़ी अलग तो वीडियो बना के भी दसांगा नाल नाल, पर नाल नाल जे तुसी ट्राई करदे हो, अप्लाई करदे हो, इहनू इंटीग्रेटेड अप्रोच कहिंदे है, नाल नॉलेज, नाल स्ट्रैटेजी, नाल नाल इलूस्ट्रेशन। ओके, ओनली शब्द जिथे आंदा है ना, उत्थे ओ ऑप्शन दे गलत होने दे चांस ज्यादा होंगे, ज्यादा क्या मैं 80% 90% 95%, ठीक है, होंगे जिथे आलवेज शब्द भी आंदा है, चांस ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे। इतने ओनली दोज चिल्ड्रन रीडिंग ग्रेड, रीडिंग ऑन ग्रेड लेवल, ठीक है, ओनली दोज चिल्ड्रन स्पेल एंड राइट कोहेसिव सेंटेंस, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग की इना ली या इना ली, ओनली दोज चिल्ड्रन हु वांट टू राइट फॉर न्यूज़पेपर,
ਇਹ ਥੋੜਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਹੈਸਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਕਿਊ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੈਵਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨੈਵਰ ਈਵਨ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਈਵਨ ਨਵਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਵੀਂ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਲ ਚਿਲਡਰਨ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਇਟੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਆਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਚਲੋ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਡੀਵੀਏਟਡ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਡੀਵੀਏਟਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਅ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਗਿਫਟਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਡਿਵੀਏਟਡ ਸਿਵੀਅਰਲੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਅਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬਾਹਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੇਖੀਏ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਮੋਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨੇ ਠੀਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਾਂ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਓਕੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਹੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਾਮ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਘੂਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪਾਪਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਹਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਇਸਨੂੰ ਸੈੱਟ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਸੈੱਟ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਇੰਡ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਫੇਵਰ ਚ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰ ਚ ਜਾਣਗੇ ਓਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਫੇਵਰ ਚ ਜਾਓਗੇ
मैं चेकोस्लोवाकिया बोलना हाँ तो की लेना देना चेकोस्लोवाकिया। सो साडा एटीट्यूड किसी भी स्टिमुलस प्रति जो रिएक्शन है वो एटीट्यूड है साडे, इसलिए हजारां करोड़ां सब तुहाडे एटीट्यूड हो सकते हैं। ठीक है, नैक्सट देखते हाँ, ये हो गया एटीट्यूड। साडे अंदरों जो रिएक्शन आते हैं मेरी फीलिंग तो जड़े है, ये भी फीलिंग में आ गया, ये भी फीलिंग में आ गया। ठीक, गोल ते मोटिव सानू पता साडियां नीड्स है। ठीक है, प्राइमरी नीड्स प्राइमरी मोटिव्स ते एंड गोल किसने सैट करना है, तुहाडे माइंड ने अंदरों सैट करना है। सो कल्चर की है, कल्चर तुहाडे बाहर है सोसाइटी च है, कल्चर जे देखना होवे ये तुसी हो। ठीक है, कल्चर तुहाडे अंदर नहीं है, कल्चर बाहर है। सोसाइटी की करती है, की रिचुअल्स करती है, की उस दी हैबिट्स हैं, ओके, की उस दी बार नॉलेज है, की वैल्यूज हैं। ठीक, की साडे क्लोथ्स पहरावा है, साडे गीत हैं, रस्मा हैं, लिटरेचर है, एक सारा कल्चर है। तो बाहर तो रहा, तुहाडे अंदर थोड़ी है बढ़िया। तुसी जिहड़ा सिंबल सिस्टम है उहनूं हौली हौली इहनूं लर्न करदे आ, एल ई ए आर एन, इसनूं हौली हौली लर्न करदे। जदों इहनूं लर्न कर लैंदे आ दैट इज नोन एज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन ठीक है, कंटीन्यूअस प्रोसेस बर्थ तो डेथ तक है, सारियां गल्लां पिछे भी कर रहे हैं, हर एक स्टेटमेंट तुहाडा आंसर बनता है। नैक्सट कित्थे गए, हाँ, सो जिहड़ा एक्सटर्नल फैक्टर साडा कल्चर ते ट्रेनिंग आ गया है। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज नॉट डूइंग वेल इन स्टडीज। ठीक है, वट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द टीचर। एक बुद्धिमान जिहड़ा व्यक्ति देखा, यह ट्रांसलेशन विच हमेशा ही गलती हो सकती है, इसलिए पंजाबी वालियां नूं ये कहना हाँ कि इंग्लिश दे शब्दां जां इंग्लिश रीडिंग करो। ये इंस्ट्रक्शन भी हुंदी है कि जे कोई गलती हुंदी है तां इंग्लिश वाला ठीक समझा जाएगा, जे तुसीं कोर्ट को भी जाना है तां इंस्ट्रक्शन है कि इंग्लिश वाला, क्योंकि पेपर इंग्लिश च बनना है। ठीक, अच्छा समझ आ गया है कि जे कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ते वो, लेकिन वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, उहदे स्कोर भी घट आ रहे, पार्टिसिपेशन घट गई है, ते वो टीचर नूं की करना चाहिदा है, वेट टिल ही परफॉर्म बैटर। आप वेट करने के लिए नहीं है, एजुकेशन मीन आप मॉडिफायर हो, आपने उसको मॉडिफाई करना है, आपने असिस्ट करना है, फैसिलिटेट करना है बैटर के लिए, कभी ये हो ही नहीं सकता, वेट नहीं करनी। ठीक है, कोई सिचुएशन वेट करने वाली भी हो सकती है काउंसलिंग में। फाइंड आउट द रीजन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भी हर बात जो आपके पास आपकी प्रॉब्लम अभी घर में भी होती है, स्कूल में होती है, फ्रेंड्स के साथ होती है, फर्स्ट फाइंड आउट द रीजन। अगर रीजन जाने के बिना आप कुछ करते हो तो फिर गलत हो, तो रीजन जानना जरूरी है। क्योंकि क्यों जरूरी है, क्योंकि डायग्नोस करोगे तभी उसका इलाज होगा ना, दैट इज वाई दिस इज अभी तक तो ये पहला नंबर आ रहा है। गिव हिम ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स देने से कुछ नहीं, मार्क्स से तो कुछ होना ही नहीं ना, मार्क्स सिस्टम को तो ना, वैसे रूसो ने कहा था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, रूसो ने कहा था सभी बुक्स को आग लगा दो, वो वर्बलिज्म के अगेंस्ट था, नेचुरलिज्म जो है ठीक है वो अगेंस्ट थे। तो मैं कह रहा हूं ये मार्क्स सिस्टम को ना आग लगा दो, खत्म कर दो, कितनी सुसाइड डिप्रेशन, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, सीटेट पीटेट और ये यूजीसी नेट, मार्क्स मार्क्स जिसने ले लिए वो अच्छा टीचर होगा। दिस इज जस्ट वन क्राइटेरिया, कॉग्निशन की एक एस्पेक्ट, रीजनिंग कॉमन सेंस जस्ट आपकी इवेल्युएट होती है, और नॉलेज क्या है ये टेम्परेरी है। टीचर तो वो है ना जिसने अप्लाई किया, जो सच में बच्चों को बच्चों के बराबर आकर ऊपर लेके गया, जो सच में प्यार देता है। कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है और कोई गुण नहीं है लेकिन प्यार है, तो उसके पास सब कुछ है। अगर किसी के पास सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है। विवेकानंद जी ने भी कहा था ना प्यार और नॉलेज पर, विदाउट नॉलेज, विदाउट लव नॉलेज कैन नॉट बी इंटेलिजेंट। वे हो गया, गिव द ग्रेस गुरु मार्क्स, नहीं आस्क हिज पेरेंट टू विदड्रॉ फ्रॉम स्कूल, के बाल है स्कूल से निकाल दो, ये तो नेगेटिव है। ऐसी तो ऐसे क्वेश्चन जो ये सारे ही सॉल्व कर लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो फिर तो बहुत। फाइंड आउट द रीजन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट क्लोजली एसोसिएटेड विद,
व्हाट इज आइडेंटिकल एलिमेंट, जब भी आइडेंटिकल एलिमेंट आए, ये थ्योरी की है थॉर्नडाइक की, ईएल थॉर्नडाइक की, जो ट्रायल एंड एरर थी, कनेक्शनिज्म था, उसी में से निकाली गई है। आइडेंटिकल एलिमेंट होते क्या है कि दो सिचुएशंस हैं, मान लीजिए सिचुएशन वन, ठीक है, साइकिल, साइकिलिंग चलाना है, और दूसरा आपकी है आपने बाइक चलाना है, ठीक है, बाइक, ठीक। अब इन दोनों में क्या कॉमननेस है, ये कॉमन एरिया है, कॉमन एलिमेंट कितने हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंस करना है, रोड की जो नॉलेज है वो काम आती है अगर आपने साइकिल चलाया है। एक्टिविटी नंबर एक आपने लर्न कर ली है, उसके बाद दूसरी लर्न करना चाहते हो, तो जितना उसमें आइडेंटिकल सिमिलैरिटी है, ये है सिमिलर एरिया, ठीक है, इसको रखेंगे सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मीन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल एलिमेंट्स, ठीक है, जितने एलिमेंट्स इसके काउंट हो सकते हैं, तो जितने ज्यादा एलिमेंट कॉमन हैं उतनी ज्यादा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है कि वो नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज जो एक लर्निंग टास्क से आपने लर्न की है, फॉर एग्जांपल साइकिलिंग से जो नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज आपके पास आई हैं, उसको नेक्स्ट में अप्लाई कर देना, अप्लाई 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 कर देना, ठीक, दिस एप्लीकेशन। जब ये लर्निंग आपकी पिछली लर्निंग, प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस स्किल, प्रीवियस एबिलिटीज आपकी दूसरा टास्क लर्न करने में हेल्प करती है, जब हेल्प करती है, ठीक है, दिस इज नोन एज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब पिछली लर्निंग, मान लीजिए आप, आपका जो बाइक है होंडा शाइन है, और उसके बाद आपने बुलेट ले लिया, तो अगर मान लीजिए उसकी जो ब्रेक है, जहां उसका गियर है, अप पढ़ते थे, दूसरे के डाउन पढ़ते हैं, तो ये एक्सपीरियंस, ये लर्निंग, ये स्किल जो आपने होंडा शाइन से, होंडा बुलेट के में कर रही है, वो इंटरवेन कर रही है, वो हेल्प नहीं करी, इंटरवेन, इंटरवेन, ये इंटरवेन करती है, इसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पर अगर ना पिछला एक्सपीरियंस फैसिलिटेट करे अगले लर्न करने वाले को टास्क में, और ना ही वो जो है इंटरवेन करे, रुकावट डाले, तो उसको बोलते हैं जीरो ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइकिल के बाद आपने वो सीखना है, दाल बनानी सीखनी है, ठीक है, अगर कोई रिलेशन नहीं मिल रहा तो इट मीन जीरो ट्रांसफर हो रही है। तो ये कुछ क्वेश्चन इसमें 8-10 बन सकते थे, इसलिए आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट, ये हो गया टर्म आइडेंटिकल एंड क्लोजली एसोसिएटेड विद सिमिलर, हाँ सिमिलर, टेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है ना, भी जेलसी बिटवीन, ना 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 ना, ग्रुप इंस्ट्रक्शन, नो, आपको पता लग गया ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सिंपल, ईएल थॉर्नडाइक की थ्योरी है ये, आइडेंटिकल एलिमेंट की, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय ईएल थॉर्नडाइक, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द पायनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग अनुकूलन द प्रवर्तक कौन है। देखो पायनियर इंग्लिश भी फंस गया था, इधर पंजाबी विच भी शायद मीनिंग नहीं पता होगा। पायनियर होता है जिसने किसी नॉलेज दे एरिया विच सब तो पहला काम किया है, जिसने शुरुआत की है, बिगिनिंग की है, स्टार्टिंग की है, या डेवलप सब तो पहला कंसेप्ट दिता है, किया है। हुन क्लासिकल कंडीशनिंग असि ये जानते हाँ कि क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी के दो नाम आते हैं, पावलोव भी ते वाटसन भी, ठीक है। स्किनर दी थ्योरी का नाम है, देखो ये क्वेश्चन बन रहे हैं, नोट कर लेना है, स्किनर दी थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है।
थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम असि कर आए हाँ, कनेक्शनिज्म है, ट्रायल एंड एरर है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कह दिता जाता है, स्किनर की थ्योरी नू भी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कह दिता जाता है क्योंकि ला ऑफ इफेक्ट थॉर्नडाइक के जेडे थॉर्नडाइक ने 1905 थ्योरी दी सी, पावलोव ने थ्योरी दी है 1897 है, ठीक है, ते स्किनर ने उस तो बाद है, सो सब तो पहली थ्योरियां जेडियां आई हैं उस सब तो पहली थ्योरी बन रही है इस तरह पावलोव ये क्वेश्चन भी बन सकता है। दूसरे नंबर पे थॉर्नडाइक ईएल थॉर्नडाइक की थ्योरी, लेकिन इंप्लीकेशन एजुकेशन में सब तो ज्यादा रही हैं इन दोनों विचों ज्यादा रही हैं थॉर्नडाइक दियां, दैट इज माई फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ईएल थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अच्छा क्लासिकल कंडीशनिंग जो है इसके बड़े नाम हैं, पावलोव तो बाद वाटसन ने 11 मंथ दे बेबी अल्बर्ट ते एक्सपेरिमेंट किए सी, एक्सपेरिमेंट मैं दसदा तुहानू। जो क्लासिकल कंडीशनिंग दे होर नाम हैं इसनू रिफ्लैक्स लर्निंग भी किया जाता है, जो पावलोव दी क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसका नो स्टिमुलस नो रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसनू किया जाता है, इसनू सब्सटीट्यूशनल थ्योरी भी किया जाता है, इसनू एस कंडीशनिंग थ्योरी भी किया जाता है, इस तरह मतलब काफी नाम क्लासिकल कंडीशनिंग दे हन, ये नाम भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि जब ये नाम वर्त के भी ये किया जा सकता है कि थ्योरी किसने लिखी, तो उन्होंने पहला जो आंसर है वो पावलोव का आएगा। पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किसते किया सी, वाटसन ने अल्बर्ट ते ह्यूमन बीइंग ते, ह्यूमन बीइंग ते लगभग बिहेवियरिज्म चो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होया, वाटसन का मिलता है, जे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बीइंग ते किसने किया, 11 मंथ का बेबी उसका नाम भी पूछा जाता है अल्बर्ट, ठीक है, उसकी एज भी कई बार पूछ ली जाती है 11 मंथ, क्योंकि ये बड़ा रिसर्च एथिक्स का बड़ा बड़ा क्वेश्चन सी क्योंकि 5 साल बाद उस बच्चे की डेथ हो गई सी, ये रोंग मेथड अपनाया गया सी, उसकी गल अजे नहीं करांगे। पावलोव दी क्लासिकल कंडीशनिंग की गल करन लगे हाँ, पावलोव दी क्लासिकल कंडीशनिंग असं जानते हाँ कि उसने डॉग ते एक्सपेरिमेंट किया सी, एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम नूं समझना चाहते से, इस पूरा एक्सपेरिमेंट सैट है, ब्रीफ विच थोड़ी जी थ्योरी मैं टीच करांगा, बेसिक्स उसदे टीच करांगा, ये तुसीं देखियो कि डॉग नूं पूरी तरह ना बन्निया होया है, इट मीनस ये डॉग की बनेगा जो इंप्लीकेशन है लर्नर बन जाएगा, पावलोव जो एक्सपेरिमेंट करता वो टीचर बन जाएगा, ये जो प्रोसेस चल रही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बन जाएगी, ठीक है। ते रिस्पॉन्स की है उन्होंने रखा ये रिस्पॉन्स जो जो फूड नू देख के बहुत अच्छा फूड मीट पाउडर है जो कोई फूड है उसनू देख के लारा टपकदियां हन जिहड़ियां, ठीक, वह लारा नू की अंग्रेजी च कहने सलाइवेशन, ठीक है, लारा टपकना सलाइवेशन, ठीक। ते मेजरमेंट इतों बिहेवियरिज्म नू पूरा समझ सकते हैं, बिहेवियरिज्म कितने भी आवे तो डॉग नू याद कर लेना, पावलोव नू याद कर लेना, इस एक्सपेरिमेंट नू याद कर लेना क्योंकि एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है, इसनों सलाइवेशन नू इहदे विच मेजर किया जा सकता है, इहदे ट्यूब के जरिए इत्थे आता है जिथे इसनों मेजर किया जा सकता है, ठीक। इस तो इलावा ये पैसिव है, असं जानते हाँ एक्सपेरिमेंट किस तरह होया कि एक बैल दिती जाती सी, इत्थे फूड दिता जाता सी, ठीक, फूड बिल्कुल सामने है फूड प्लेट और बैल दिती जाती है, हुण बैल फूड ते रिस्पॉन्स ये तीन चीज़ों का संगम देखना है, बैल भी स्टिमुलस है, ठीक, आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, ठीक, और जिहड़ा फूड है वह नैचुरल स्टिमुलस है, नैचुरल स्टिमुलस की हुंदा है जिसनू देख के तुसीं खुद ब खुद पहला ही रिस्पॉन्स आ जाता है, तो गोलगप्पे देख के तुहाडे मुँह च पानी आ जाता है, नैचुरल रिस्पॉन्स है, गोलगप्पे स्टिमुलस हैं, जो गोलगप्पा शब्द जिहड़ा है आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। चलो वापस आ जाते हैं, ये देख लेते हैं कि इन्हों का रिश्ता की है, जे थ्योरी किस तरह उन्होंने की। साउंड ऑफ बैल फर्स्ट स्टेप की करते हैं थ्योरी विच, साउंड ऑफ बैल दिती गई, ठीक, डॉग का रिस्पॉन्स नोट किया गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, जीरो रिस्पॉन्स, ठीक। दूसरे स्टेप पे की किया गया, फूड दिता गया, फूड प्रजेंट किया गया, ठीक है,
रिस्पॉन्स आया। इतों की पता लगता कि फूड ते सलाइवेशन का कनैक्शन सी, बॉन्ड सी, एसोसीएशन सी, ठीक, लेकिन बैल दी ते फूड दी कनैक्शन नहीं है। मैं डॉट पाता है कि कनैक्शन नहीं है, ठीक। तीसरे टाइम ते की किया गया, तीसरे फेज विच डॉग भुखा है, साउंड प्लस फूड इकट्ठे दिते गए, बैल दे के थोड़ी देर बाद फूड दिता गया। नेचुरली फूड ते सलाइवेशन आ रही है। नेक्स्ट डे फिर यही किया गया कि बैल फूड, हुण फूड ते सलाइवेशन आ रही है। तीजे दिन फिर बैल फूड, फिर सलाइवेशन आ रही है, बैल फूड, सलाइवेशन आ रही है, बैल फूड, सलाइवेशन आ रही है, बैल फूड, सलाइवेशन आ रही है। सत दिन बाद या दस दिन बाद फूड नू नहीं दिता गया, इकली बैल दिती गई, ठीक, ते इकली बैल ते ही रिस्पॉन्स आ गया। थ्योरी की है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस ते जो रिस्पॉन्स नहीं आंदा सी, वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस दा ओरिजिनल नेचुरल स्टिमुलस नाल एसोसिएट करके रिपीट करन नाल, उस तो बाद रिपीट करन तो बाद आर्टिफिशियल स्टिमुलस ते ही ओरिजिनल रिस्पॉन्स आ गया। ए जेड़ा कनेक्शन नहीं सी, आ कनेक्शन नहीं सी, साउंड ते सलाइवेशन दा कनेक्शन नहीं सी, पर इस नूं फूड नाल जोड़ के जदों बार बार पेश किया गया, ये कनैक्शन बन गया, ये बॉन्ड बन गया। इस इहदे विच क्योंकि जिहड़ा जिस तरह ये रिपीट कीते करदे गए, उस तरह फूड दे करैक्टरिस्टिक्स, ब्लैक लवांगा, फूड दे करैक्टरिस्टिक्स बैल विच आउंदे गए, ठीक। इस विच कीता भी गया कि हौली हौली जिहड़ा एक स्टिमुलस की जगह पर दूसरे स्टिमुलस नूं बदल दिता गया, जिस दे करके इस नूं सबस्टिट्यूशनल थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक। इस तो बाद स्टिमुलस जनरलाइजेशन का प्रिंसिपल है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी का प्रिंसिपल है। मैनूं नहीं पता कि तुसी लर्न करना चाहते हाँ जां डिटेल च इन्ना टाइम है, जे तुसी रिक्वेस्ट पाओगे तो सारी थ्योरी ते एक वीडियो बना दांगा, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी लंबा हो चुका है, इसलिए वापस चलते हाँ। सो ये थ्योरी से हाँ, जो तुम पावलोव की थ्योरी भी, वाटसन की भी देखनी है, इसलिए वाटसन की थ्योरी दस रहा हाँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बनते हैं जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटलिस्ट पूछा जाता कौन है वर्ल्ड में साइकोलॉजी, उदो वाटसन का नाम आता है, ठीक। एक्सट्रीम एनवायरमेंटलिस्ट एक कोटेशन बहुत आती है, बहुत ईवन हर तरह के पेपर में, IAS लैवल दे, अपने जिहड़ा है UGC नैट लैवल दे, CTET च आ जाती है कि तुसी मैनू एक दर्जन बच्चे दिओ, ठीक है, नॉर्मल, तो 20 साल बाद जे तुसी चाहो कहोगे कि इसनों भिखारी बना दो, मैं 20 साल बाद भिखारी बना दूंगा, जे कहोगे तो 20 साल बाद डॉक्टर इंजीनियर बना दूंगा। कहने का मतलब की सी वाटसन का, ये वाटसन की स्टेटमेंट सी, एक्सट्रीम एनवायरमेंटलिस्ट इसे लिए किया जाता। जो हैरीडिटी ते एनवायरमेंट की गल करते हैं, वाटसन हमेशा एनवायरमेंटलिस्ट चाहता, हैरीडिटी च यह विश्वास नहीं रखता कि डिवेलपमेंट जी अच्छा एनवायरमेंट देकर कुछ भी बना सकते हैं। तुम एक बच्चे को भिखारी भी बना सकते, एक बच्चे को इंजीनियर भी बना सकते, जो उसको अच्छा एनवायरमेंट दोगे, इंजीनियरिंग का जो एनवायरमेंट, अच्छी एजुकेशन दोगे, उस तरह का बन जाएगा। जे भीख मंगा ला दो चौराहे पर, वह सीख जाएगा। सो एनवायरमेंट शेप दिता है, डिजाइन करता है साड़ी पर्सनैलिटी। एक्सपेरिमेंट की सी कि एक अल्बर्ट 11 महीने का बच्चा जिहड़ा कि रैट नाल वाइट टॉय नाल खेडन लगा, जदों ही उहनूं टच करन लगता है, एक हॉरर बैल पिछों दित्ती जांदी है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस, वह बैल तो डर जांदा है बहुत, ठीक, वह बैल तो डर जांदा है। दूसरी बार फिर किया जाता है कि फिर हॉरर बैल दित्ती जांदी है जदों टच करन लगता है। तो जदों ही हुण नैक्सट टाइम की हो रहा है कि जदों ही उस टॉय नूं वाइट नूं देखता है रोण लग पैंदा है, ठीक है। इट मीनस फीयर का उस स्टिमुलस का कनैक्शन हो गया,
एक बच्चे का जो भी यह टॉय इसके सामने आता है ठीक यह टॉय सामने आया तो एकदम वो अखा चो रोन लग पाया ये रोना जड़ा है उसका रिस्पोंस है ठीक ये जड़ा सी स्टिमुलस सी हुण इस वाइट रैट की जगह पर जो कोई वाइट होर चीज देखता सी ऑब्जेक्ट होर कोई है एस टू स्टिमुलस टू देखता सी ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟਿਮੂਲਸ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਿਮੂਲਸ ਵਨ ਸਟਿਮੂਲਸ ਟੂ ਰਿਸਪੋਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਵਨ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ लेकिन स्टिमुलस टू दे विच सिमिलैरिटी सी जिन्नी सिमिलैरिटी जिस तरह पिछे आइडेंटिकल एलीमेंट किया जिन्नी ज्यादा सिमिलैरिटी उन्ना सिमिलर रिस्पोंस असी दे दिंदे हां ए स्टिमुलस जनरलाइजेशन दा प्रिंसिपल सी इत्थे बस करदे हां बहुत ज्यादा लंबा हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन जे कोई बचदा है कोई क्वेश्चन ट्राई हो जे है सो पावलोव इसका आंसर है ठीक है नेक्स्ट है ए क्वेश्चन इसमें ज्यादा टाइम है इट इज सेड दैट टीचर शुड बी रिसोर्सफुल देखो इतने सिर्फ तुम रिसोर्सफुल का मतलब पता होना चाहिए है रिसोर्सफुल का मतलब है कि अजिही एबिलिटी या अजिही योग्यता के तुसी डिफिकल्ट सिचुएशन नवी सिचुएशन नू मैक्सिमम सॉल्व कर लो तुसी तरीके लभ लो मीनस लभ लो के सॉल्व कर लेना है ठीक रिसोर्सफुल की है जेड़ा कहिंदे के एक 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 बंदे को हथियार सी तो उनू लुट्टन लगे वो ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਵੋਲਵਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੱਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਵੋਲਵਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵਰਤ ਲਾ ਦੇਖੋ ਹਥਿਆਰ ਕੋਲ ਹੈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਹੈ ਏਵੀਏਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਸਨੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਏਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਐਨਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਕੋਲ ਸੀ ਵਰਤਣਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮਨੀ ਕੋਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਰਤਣੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਮਨੀ ਵਰਤਣੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਲਾਸ ਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਐਡੀਕੁਏਟ ਨੌਲੇਜ ਸੋ ਦੈਟ ਹੀ ਮੇ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਰ ਹੋਵੇ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਰ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਐਡੀਕੁਏਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੈਸਟ ਆਂਸਰ ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਚੌਥਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਥਰਡ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੋਟਿਵਸ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੋਟਿਵਸ ਓਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੋਟਿਵਸ ਸਿੰਪਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਂਸਰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਨਲਰਨਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਨਲਰਨਡ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਿਆਰ
जीन ले जरूरी है कि डेवलपमेंट ले। अच्छा सेकेंडरी जी डेवलपमेंट ले जरूरी होंगे। हाँ याद आ गया, ये सर्वाइवल ले जीन ले ये विकास ले जरूरी है। ठीक है, ये नीड्स प्राइमरी नीड्स एंड सेकेंडरी नीड्स ले कह सकते हैं। ओके देखो हम भूख की है जींदे लैन लई है कि विकास करन लई है, जींदे लैन लई है। ऑक्सीजन सेक्स, सेक्स क्यों कहा जाता है क्योंकि रिप्रोडक्शन जड़ी है नवी जनरेशन होनी है सेक्स के जरिए आनी है। ठीक सेक्स नू प्लेयर के तौर पर लेना तो रिप्रोडक्शन के तौर पर लेना मीनिंग उत्थे इत्थे रिप्रोडक्शन तौर पर लिया जाना है। सो सेक्स भी नैचुरल है, ऑक्सीजन लेना नैचुरल है, अपने आप असी सह लेने हवा लेने हैं। सो ये सर्वाइवल नीड है, प्राइमरी नीड जिहड़ी साडे शरीर नाल फिजियोलॉजिकल हैं। दूसरी डेवलपमेंट नाल जिवें कहा प्यार प्यार इज सेकेंडरी नीड और प्राइमरी नीड। चलो तुसी दसो तुसी कर दे हो। ओके इको मैस्लो की हायरार्की देख लेनी जरूरी है मेरे ख्याल च। मैस्लो की हायरार्की विच भी क्योंकि नीड्स की हायरार्की है ना मोटी पूछा गया है नीड बिल्कुल ना मिलती है। सब तो लोएस्ट लैवल से देखो फिजियोलॉजिकल ही रखी है। फिजियोलॉजिकल की है कि खाना पीना सोना सैक्स ओके ये वाली चीजा जड़िया शेल्टर है ये जीण लिए जरूरी हैं। सो साडा आंसर साफ बन रहा है कि फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। ठीक है कन्फ्यूज असी हो सकते हैं साइकोलॉजिकल एजुकेशनल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। याद रखो एजुकेशन थोड़ी डिवेलपमेंट लिए है थोड़ी सर्वाइवल लिए नहीं है। साइकोलॉजिकल मोटिव भी थोड़ी डिवेलपमेंट लिए है सर्वाइवल लिए नहीं है। और सोशल मोटिव सोशल नीड्स भी मतलब तुसी सोसाइटी तो बिना भी जिंदे रह सकते हैं। वो तुसी देखते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड देखते हैं वो इकला बंदा जंगल च रह रहा है सरवाइव कर रहा है उते सोसाइटी नहीं है। सो ऐसी थोड़ा क्वेश्चन कोई होवे इसनों इंपॉर्टेंट इन्ने पॉइंट दसदा हाँ इन्हां ते क्वेश्चन आणगे इन्ने ही नोट कर लो ते तुहाडा तुहानूं बड़ी संतुष्टि भर जाऊगी काफ़ी क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यही पूछे जाणगे। किसी तरह का कमेंट सुजैशन होवे जरूर देना। थैंक यू।